नमस्कार, देसी टिप्स हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने चेहरे का रंग किस तरह से निखार सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ये नुस्खा दोस्तों इतना इफ़ेक्टिव है कि आप इसका यूज़ करके दंग के दंग रह जाएंगे। ये हम बनाने वाले हैं जो सभी चीज़ आपको लगभग घर पर ही मिल जाएगी, आपको एक या दो चीज़ ही बाज़ार से परचेस करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको नुस्खा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, ये नुस्खा बनाने के लिए आपको एक चम्मच बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक इस तरह की एक कटोरी लीजिए और उसमें एक चम्मच बेसन ऐड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको इसमें कॉफ़ी का जो पाउडर है वो इसमें ऐड करना है। अगर आप ये कॉफ़ी का पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कॉफ़ी का पाउडर बस इतनी मात्रा में ही लेना है। आप इसमें ये ऐड कर दीजिए। अगर आप वो नहीं ऐड करना चाहते तो आपके पास हल्दी हो तो आप हल्दी का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे। अगर आपके घर पे प्लांट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल ये तो मैंने बाज़ार से परचेस की है तो मैं इसमें ये यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों, हमें इसमें शहद यानी कि हनी का यूज़ करना है। हनी आपको लगभग इसमें आधा चम्मच ऐड करनी है तो मैं इसमें आधा चम्मच हनी का यूज़ करने वाला हूँ। ये सब चीज़ ऐड करने के बाद दोस्तों, आपको लगभग आधा चम्मच गुलाब जल है वो इसमें ऐड करना है तो मैं इसमें आधा चम्मच गुलाब जल ऐड करूँगा। ये गुलाब जल आपको बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है तो इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए। और फिर दोस्तों, इसमें हम केसर का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो केसर आप बाज़ार से भी परचेस कर सकते हैं। तो इसमें हम लगभग आधा चम्मच जितना केसर है वो इसमें ऐड करने वाले हैं। आपको इतना केसर इसमें ऐड करना है। फिर आपने ये जो नुस्खा बनाया है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप अपने चेहरे पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले हल्का सा बुनबुना पानी लेके अपने चेहरे को वॉश कर लेना है और उसके बाद ये हमने जो पैक बनाए हैं वो आप अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर ये हल्का सा सूख जाएगा। तो आप साफ पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये लगाने के बाद ही आपको इतना इफ़ेक्ट दिखेगा दोस्तों कि आप दंग रह जाएंगे। इसका इफ़ेक्ट दोस्तों कई लोग यूज़ कर चुके हैं और कई लोगों को इसका फ़ायदा भी मिला है। आप ये नुस्खा हफ्ते में दो बार यूज़ कर सकते हैं और आपको ये एक मंथ तक रेगुलरी करना है। तो दोस्तों, ये नुस्खा आपने पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के सस्ते और आसान घरेलू नुस्खे देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ किसी नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।